स्टूडेंट्स एर आगेर भिडियोते आमी दशम श्रेणी गैसेर आचरण चैप्टारटी पढ़िएछिलाम सेखाने आमी पढ़िएछिलाम बॉयल एवं चार्ल्सेर सूत्र एवं तार गाणितिक रूप। आज आमी बॉयल एवं चार्ल्सेर सूत्रके किभाबे लेखचित्रेर साहाज्ये प्रकाश एवं चार्ल्सेर सूत्र थेके किभाबे परम शून्य उष्णता पाबो सेटा आलोचना करब। तो बॉयल और चार्ल्सर सूत्रे लेखचित्र प्रकाश करते गेले सूत्रटा एक बार मने करे नी कि छिलो बॉयल सूत्र कि छिलो पी भि समान के एटा आमरा पेयेछिलाम बॉयलर सूत्र थेके। एई क्षेत्रे आमी कि करब लेखचित्र जे प्रकाश करब आमी भि के दिलाम भुजे एवं पी के दिलाम कोटिते। बॉयल सूत्रे पी भि समान के आमी एटा पेयेछिलाम आमी जखन पी भि लेखचित्र प्रकाश करछि एक्षेत्रे भि के दिलाम भुजे एवं पी के दिलाम कोटिते। कि रकम लेखचित्र पाबो समपरावृत्त एके कि बला हय समपरावृत्त। बॉयलेर सूत्र थेके आरेकटा आमरा पेये थाकि लेखचित्र सेटा कि लेखचित्र पी भि पी लेखचित्र। एक्षेत्रे कि हबे ना आमी भुज बराबर दिलाम पी एवं पी भि के दिलाम कोटि बराबर। एक्षेत्रे कि पाबो आमरा जे लेखचित्रटा सेटा हबे ई चाप अक्षेर समान्तराल चाप अक्षेर समान्तराल हबे पी भि पी लेखचित्र। ताहले बॉयलेर जे दुटो लेखचित्र एकटा पी भि लेखचित्र आर एकटा पी भि पी लेखचित्र आमरा पेलाम। चार्ल्सर सूत्र क्षेत्र में कि पे थी चार्ल्सर सूत्र क्षेत्र लेखचित्रटा के प्रकाश करते पारे भि वर्सेस टी हिसेबे कि भावे ना टी के आमी प्रकाश कर लाम भुज बराबर एवं भि के प्रकाश कर लाम कोटि बराबर हुएछे। टी अवश्य केल्विन एकके टी अवश्य केल्विन एकके। एक क्षेत्र आमरा कि पाबो लेखचित्रेर प्रकृति सरल रैखिक लेखचित्रेर प्रकृति पाबो सरल रैखिक। एक क्षेत्रे आमार एकटा बलार आछे आमी एटा लेखचित्रटा अंकन करलाम कि हिसेबे ना टेम्पारेचारके आमी केल्विन एकके देखिएछि। आमी जोदि डिग्री सेंटिग्रेडे प्रकाश करी ताहले आमी भिटी लेखचित्र केमन पाबो आमी टी के प्रकाश करछि डिग्री सेंटिग्रेडे प्रकाश करछि आर भि के निलाम आमी कोटिते। एइखाने आमी देखते पाबो कि ना लेखचित्रेर जे सरलरैखिक ब्यापारटा छिल से एसे टी अक्ष के कोथाय स्पर्श करबे माइनस 273 डिग्री सेंटिग्रेडे। एक क्षेत्र में कि देखते माइनस 273 डिग्री सेंटिग्रेडे एसे एखाने से मिलित होच्छे। चार्ल्सर सूत्र थेके जदि आमरा परम शून्य उष्णतार मान निर्णय करी ताहले देखब कत मान पाब माइनस 273 डिग्री सेंटिग्रेड उष्णता। एक क्षेत्र कीभावे आमरा पेये थाकछि माइनस 273 डिग्री सेंटिग्रेड उष्णता एटा तो आमी लेखचित्रेर साहाज्ये प्रकाश करलाम। कीभावे देखो आमी पाच्छि परम शून्य उष्णताटा चार्ल्सर सूत्र थेके चार्ल्सर सूत्र थेके आमी कीभावे परम शून्य उष्णताटा पाच्छि। आमी चार्ल्सर सूत्र आगेर दिन बोलेछिलाम कि पेयेछिलाम भि टी इक्वल टू भि जिरो इंटू वन प्लस टी बाय 273 टी बाय 273। एक क्षेत्रे कि ना जिरो डिग्री सेंटिग्रेडे उष्णता कत भि जिरो एवं जे कोनो एकटा आमी तापमात्रा नियेछि स्थिर चापे सेटा आमार कत होयेछे भि टी आयतन होयेछे गैसे। एबार आमी कि बोलछि परम शून्य उष्णता कि ना जे उष्णताय गिये गैसेर आयतन शून्य हो जाए अर्थात भि टी हबे जिरो भि टी हबे जिरो। तहले एई क्षेत्रे कि पाबो अतएव आमरा पाच्छि भि जिरो इंटू वन प्लस टी बाय 273 इक्वल टू जिरो।
অর্থাৎ 1 প্লাস টি বাই 273 ইকুয়াল টু 0, অর্থাৎ টি বাই 273 ইকুয়াল টু মাইনাস 1। টি ইকুয়াল টু কত পাচ্ছি তাহলে? মাইনাস 273। তাহলে চার্লসের সূত্র থেকে আমি পেয়ে গেলাম কি না, মাইনাস 273 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় কোনো গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যায়, তাই একে কি বলা হয়? পরম শূন্য উষ্ণতা। তাই একে বলা হয় কি? পরম শূন্য উষ্ণতা। আর এক্ষেত্রে কয়েকটা ছোট্ট প্রশ্ন তোমাদের আসতে পারে। যেমন ধরো চার্লসের সূত্র আর বয়েলের সূত্র থেকে আমি যেগুলো প্রকাশ করে থাকি যে বেলুন ফোলানোর সময় বেলুনের চাপ এবং আয়তন উভয় বৃদ্ধি পায়, এক্ষেত্রে কি বয়েলের সূত্র লঙ্ঘিত হয়? অবশ্যই লঙ্ঘিত হয়। কেন না? বয়েল সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, বয়েল সূত্রের ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে না, গ্যাসের ভর এবং উষ্ণতা, ভর এবং উষ্ণতা দুই ধ্রুবক, ভর ও উষ্ণতা দুই ধ্রুবক। আমি যদি বেলুনকে ফোলাতে থাকি সেক্ষেত্রে কী হবে, বাইরে থেকে আমি যখন বায়ু দিচ্ছি তখন ভর কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভর বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমাদের ভর স্থির না থাকার জন্য বয়েল সূত্র প্রযোজ্য হচ্ছে না, বয়েল সূত্র প্রযোজ্য হচ্ছে না। এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো খেয়াল রেখে গ্যাসের আচরণ চ্যাপ্টারে মোটামুটি তোমরা এই লেখচিত্র এবং লেখচিত্র থেকে পরম শূন্যের উষ্ণতা কীভাবে পাওয়া যায় সেটা তোমরা জানতে পারলে।